उसने सेक्स किया हो, तेरे को 1 लाख रुपया भी इनाम देता हूं। मुझे नहीं है पता, मैं कह रहा हूं कि आप इससे क्या निकालोगे ये बताइए, तो अब ये इससे हमारे दूसरे नबी को दूसरे धर्म कर का दोगे? एक मिनट, तो दूसरे धर्म वाला तेरा पॉइंट अभी खत्म हो गया, अब दूसरे धर्म को नहीं लाएगा? हाँ खत्म हो गया, नहीं लाऊंगा ओके सर। चलो भाई लोग, मैं वैसे भी एक तो नहीं, समझदार मोमिन है जिसने दूसरे धर्म की बैसाखी अब नहीं लेगा, क्योंकि बैसाखी मिलेगी नहीं उधर, दूसरी जगह पे ऐसा कोई एग्जाम्पल मिलेगा ही नहीं। ओके तो इसने अपना पॉइंट वो वापस ले लिया। अच्छा अगर शारिक मैंने तुझे बता दिया कि तुम्हारी छोटी अम्मी आयशा वैसी ही बच्ची थी जैसे 9 साल की आज की बच्ची होती है, नादान ना समझ, छोटी सी गुड़िया की तरह, क्या तू फिर ये आप वही मानेगा सब तेरे दिखाओगे, रसूलुल्लाह ने? डॉल से खेलती थी, गुड़िया से खेलते थे, ये सब दिखाओगे आप? ये सब तो मैं देख बिल्कुल चुका हूँ। तेरे को मालूम है, फिर तूने ये कैसे कहा कि वो 9 साल की बच्ची नहीं थी बल्कि 15 साल की उम्र की हो गई थी? समय का भी तो बात अगर होता है ना यार, वो 1500 साल पहले का बात है, आज के टाइम में ये कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। भाई किसने कहा तेरे को कि 1500 साल पहले जो है 9 साल की बच्ची 14 साल की हो जाती थी? मैं तेरे को एक हदीस देखिए उस बताता समय हूँ ये देख, आम बात था, ये नौ भी एक अच्छा बात एक है बात बता, उस समय। एक बात बता, एक बात बता, एक बात बता, क्या तेरे इस्लाम में एक जो बालिग लड़की है उसको मारने की इजाजत है? मतलब बड़ी लड़की को मारने की इजाजत है, बड़े बच्चे को मारने की इजाजत है 15-16 साल के बच्चों को? डंटे से मारने की? अडल्ट को मार सकते हैं क्या? हाँ मार सकते हैं ना, और नमाज के लिए तो अडल्ट मारना पड़ता बच्चों, है ना। अडल्ट बच्चों को आप हाथ उठा सकते हो अडल्ट बच्चे के ऊपर? अडल्ट क्या मतलब? अरे जो बच्चे आपके बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, क्या आप उस पे हाथ उठा सकते हो? नहीं, नहीं उठा बच्चे सकते फिर बच्चे ना, नहीं रहे तो जवान उस पे क्यों हाथ उठाएगा। नहीं उठा सकते। ओके क्या छोटे बच्चे को आप मार सकते हो इस्लाम की रूह से? हाँ ओके ये पॉइंट याद रखना दोस्तों, बड़े जो जवान हो जाते हैं बच्चे उस पे आप हाथ नहीं उठा सकते हो, छोटे बच्चे पे हाथ उठा सकते हो। मैं आपको एक हदीस बताता हूं अभी, ये आपके सामने लेके आ रहा हूं ताकि आपको आज जो है ना ये उर्दू मुतमईन करके लाइएगा, उर्दू भेजेंगे। उर्दू ओके लाइएगा। उर्दू चाहिए तुमको? एक मिनट अभी उर्दू किसी भी ने पहले नहीं है, बता पहले दिया हो ना। हाँ, आ कोई नहीं, जाएगी। तुम्हारा भाई बैठा है, अरे भाई बैठा है, जिंदा है तुम्हारा भाई, उर्दू भी देगा तुमको। नहीं इंग्लिश भी आते फिर मैं बोलता उर्दू तो ये गलत हो जाता ना, इसीलिए पहले बता दिया। अरे कोई अच्छा दिक्कत किया किया, टेंशन मत ले, तेरा भाई जिंदा है। ओके लेकिन सैयद साहब, इनको कितना भी बता दो ये लास्ट में तो करेंगे। वही बोलेगा अल्लाह एक और मेरा रसूल सच्चा है। नहीं, ये अच्छा भाई है, ये मान हाँ लेगा, इसने बोला ना इसको सिर्फ ये साबित करना है कि चौदह सौ करेंगे, साल बात पहले कर लिया है यूट्यूब पर। भाव देख ले, कहीं तेरे दोस्त लोग जो है तेरी पिटवाई ना कर दे। अरे उर्दू चाहिए इसको। नहीं, बोलिए आप। अरे सॉरी 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 सॉरी, मेरा भाई को उर्दू चाहिए। ओके आज इसको अमित साहब हम साबित करके भेजेंगे और आज ये इस गंदगी से निकलेगा। क्यों निकलेगा? लेकिन क्योंकि इसको बताना है कि ये बेगैरती मानता है कि एक 55 साल का बूढ़ा जो है वो 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करे, ये बेगैरती है। बस इसका डाउट ये है, इसको ये गलत पाठ पढ़ाया गया है कि 1400 साल पहले 9 साल की बच्ची जो है वो 15 साल की तरह हो जाती थी। अगर वो मामला खत्म हो जाएगा अमित साहब, तो भाई जो है इस गंदगी से निकल जाएगा, क्योंकि जो बेगैरती करे उसको नबी आप कैसे मान सकते हो, है ना शारिक साहब? जी जी शरीफ मैं साहब सुन बोलिए। रहा हूं, है ना, जो बेगैरती करे वो रसूल नहीं हो सकता ना। जी उसकी बेगैरती है ही नहीं, ये कुरान कह रहा है। हाँ भाई अगर बेगैरती करे तो वो रसूल नहीं हो सकता ना। जी नहीं हो सकता फिर तो। थैंक यू। अब यहां पे देखो, ये सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 495 स्क्रीन पे नजर आ रही है? आ रही है? जूम कीजिए। ये सॉफ्टवेयर है भाई, ये और जूम नहीं होता है, इतना ही है। मैं पढ़ दूं तुम्हारे लिए? मैं लेके पढ़ आता हूं, दीजिए। हाँ ये लीजिए, ये देखिए क्या कहते हैं।
अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल आस कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब तुम्हारी औलाद 7 साल की हो जाए तो तुम इनको नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब वो 10 साल के हो जाए तो इन्हें इस पर यानी नमाज ना पढ़ने पर मारो। जी क्या है? तो बच्चे बच्चे को पता है हम लोगों में 10 साल में ये हदीस कभी बता रहे रसूलुल्लाह? कितने 100 साल पुरानी बात बता रहे हैं? जी हाँ मैं समझ गया। कितने 100 साल पहले ये बात बता रहे हैं अल्लाह के रसूल पहले, वो बताओ। 1400 साल। 1400 साल पहले, मतलब जब रसूलुल्लाह ये बात बता रहे हैं 1400 साल पहले, तब भी 10 साल के बच्चे बच्चे ही होते थे, इस वजह से उनको मारने का हुक्म दे रहे हैं अल्लाह के रसूल। आपने कहा था जवान बच्चों को मारा नहीं जाता है, छोटे बच्चों को मारा जाता है। वो फिर आप गलत कर दिए, ये तो इस समय के लिए था, ये तो हमेशा के लिए है, ये तो हमेशा मतलब के लिए है। हमेशा के लिए है मैं रसूलुल्लाह की 1400 साल में भी है क्या नहीं है? हाँ ये उस समय के लिए भी था, है ना, उस समय के लिए भी था, मतलब उस समय भी 10 साल के बच्चे बच्चे ही होते थे। हाँ यहाँ से तो यही पता चल रहा। कितनी बड़ी दलील थी ये देखो, सीधा तुमको 1400 साल पहले की बात बता रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हारे रसूलुल्लाह खुद कह रहे हैं कि 10 साल के बच्चे बच्चे होते हैं, उनको मारो, मार सकते, मतलब बच्चे बच्चे होते थे आपको, जिस्म का जो वो होता है ना उसमें अंतर रहता होगा। कैसे जिस्म का अंतर कैसे? यहाँ पे तो रसूलुल्लाह जो बोल रहे हैं 10 साल का बच्चा जो है बच्चा है, मारो उनको। हाँ हाँ यहाँ तो उम्र की बात हो रही है ना, 10 साल उम्र, आप कभी भी कयामत तक ये नियम रहेगा, ये नियम रहेगा ना, तो 1400 साल पहले भी 10 साल का बच्चा जो है वो बच्चा ही होता था। अब मैं तुमको ये एक चीज ध्यान में रखे आपने, जी एक चीज ध्यान में रखना, अब गुड़िया वाली हदीस लेके आते, एक मिनट रुकना, भाई के साथ आज भाई को जो है ना आज इनका दिमाग खोलेंगे और इनको बेगैरती वाले दीन से बाहर निकालेंगे। अच्छा एक और एक हदीस बताओ आपको। नहीं यार ये तो गलत बात हो गई ना, ये तो गलत बात हो गई ना, फिर ये तो गलत बात हो गई ना कि बेगैरती साबित होने के बाद भी अगर आप बेगैरती से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये तो गलत बात हो गई ना फिर। देखिए मैं मेरा यह अकीदा है कि नबी ने कुछ भी गलत नहीं किया, जब अरे हम तो नबी सही थे तो फिर आप उसको गलत साबित कैसे कर सकते हैं? मोहम्मद शारिक, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह जब कह रहा है कि भाई आप मेरी बात सुन लीजिए एक बार, भाई एक बात बोलो, एक मिसाल देता हूँ मैं। आपके वालिद है जी, आपके वालिद कह रहे हैं शारिक बहुत अच्छा है, शारिक कभी गलती कर ही नहीं सकता है, शारिक कभी गलती कर, यार क्या पता, वालिद तो तारीफ के तौर पे बोल देगा लेकिन अल्लाह सच बोलता है ना, लेकिन अल्लाह झूठ से। अच्छा क्या आपने अल्लाह को देखा? क्या आपने अल्लाह को देखा? अल्लाह मैंने अल्लाह को नहीं देखा है लेकिन अल्लाह है। क्या आपने अल्लाह को नहीं, अल्लाह नहीं है। शारिक क्या आपने अल्लाह को सुना? नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना है। बहुत मतलब वो जो बातें कर, जो अल्लाह के नाम पे बातें कर रहा है उसकी बात को आप पहले परखोगे ना कि उसकी बात सच नहीं है। हाँ है ना, पहले उसकी बात तो हाँ नहीं है। अब आपका अल्लाह कह रहा है कि बहुत अच्छा है लेकिन जब परखेंगे रसूल को और वो अच्छा नहीं निकला, मतलब आपका अल्लाह भी झूठा? नहीं अल्लाह झूठा नहीं, ये अल्लाह झूठा वाला सवाल नहीं। कैसे मालूम पड़ेगा अल्लाह सच्चा है या झूठा है? वो ये तो कैसे मालूम पड़ेगा अल्लाह? एग्जैक्टली, किताब को आप परखेंगे ना, आपने तो खुद ने अल्लाह की बात सुनी नहीं है। अल्लाह की किताब से, अल्लाह की किताब से पता चलेगा भाई, अल्लाह की किताब में कहा गया है कि रसूल जो है वो उस्वतुन हसन है, सही? हाँ ये भी है, अम्मा जल्ला साहिबकुम अम्मा गवा, वो कभी ना तो बहके ना कभी गुमराह चले, ये भी है,
तो वो कभी गलत अच्छा, रास्ते पे चले ही नहीं है, गलत रास्ते पे नहीं चले। अगर मैं साबित कर दूं गलत रास्ते पे चले, अल्लाह झूठ नहीं बोलता। अब अच्छा अब नहीं कर सकते साबित, आपके नजर में वो गलत होगा। कुरान से ही साबित कर दूं तो, एक मिनट, कुरान से ही साबित कर दूं कि बहका था तुम्हारा नबी, तो इस्लाम छोड़ोगे? पूरी तरह कॉन्ट्रडिक्शन साबित हो जाएगा। पे चले गए थे आप मतलब आधा रास्ता तो गलत इख्तियार किया था। ए भाई ये मस्त बात बोला, ये मस्त बात बोला इसने। एक मिनट रुको, इसको अभी मैं नोटपैड लेके आता हूँ। आज इसकी दिमागी अपंगता जो है ना वो छुड़ा के रहेंगे अपन भी, इसको भागने नहीं देंगे आज शादी को, आज इसका इस्लाम छुड़ा के रहेंगे। एक मिनट, आपने कहा क्या कहा था, अल्लाह के हिसाब से रसूल कभी बहकता नहीं है, राइट? बहकता नहीं है ना, वो कभी गुमराह नहीं चले, गलत रास्ते पे नहीं चले हैं, गलत काम नहीं करता ना, गलत काम नहीं करता ना। ओके, नहीं किया है, जो बहुत बड़ा गुनाह है वो नहीं किया है। छोटे छोटे गुनाह करते थे आपके रसूल? जी भूल तो सबसे हो जाती है ना, भूल तो रसूल भी करते हैं। अच्छा बोलो कि आपके रसूल छोटे गुनहगार थे? नहीं, भूल हुए रसूल से, मैं कहता हूँ। मैं भूल की नहीं, मैं गुनाह की बात कर रहा हूँ। गुनाह मेरे ख्याल में नहीं है, कभी नजर नहीं आ रहा मुझे। तो मतलब उन्होंने गलत तो काम नहीं किया? जी कुरान गवाह। अच्छा अगर मैं गुनाह कबीरा आपको बता दूं, गुनाह कबीरा अगर बता दूं, गुनाह कबीरा अगर बता दूं तो आपका अल्लाह झूठा साबित हो जाएगा फिर? हाँ, पूरी तरीके से गुनाह कबीरा अगर साबित कर देते हो तो फिर तो अल्लाह झूठा साबित हो ही जाएगा। पक्का फिर छोड़ दोगे इस्लाम? दिखाइए यार, पहले ऐसे कैसे कॉन्ट्रडिक्शन थोड़ी ना भाई, तो वो मेरा काम है ना। जो उलमा है, हमारे उलमा पूरा चेक करके बैठे हैं कुरान को, आप कह रहे हो मैं दिखा दूंगा। तू क्यों दिमागी अपंग बन गया, तू अपना दिमाग चला ना, उलमा को छोड़। अगर मैं यहाँ पे साबित मैं जहाँ भी हूँ अपने ही हिसाब से हूँ, मैं जहाँ भी हूँ अभी। मतलब तू नहीं मानेगा साबित करने के बाद भी? मैं मानूंगा क्यों नहीं, तो बोलना फिर क्या। अगर आप बता दो कि आपके रसूल ने बड़ा गुनाह किया है तो आप कुरान को गलत कहेंगे और आप इस्लाम छोड़ेंगे? जी आप जो दिखा दोगे कुरान से वो मैं मान लूंगा कि हाँ ये किया है नबी। आप छोड़ोगे फिर? नहीं, और उसके बाद देखूंगा ना आगे उसमें। अगर आप नहीं दिखा पाए फिर मैं कैसे अभी पहले बोल सकता हूँ? मैं नहीं दिखा पाने पे बोल ही नहीं रहा। 100% सही हो गया ना, अगर मेरा आप अगर मुझे इत्मीनान बख्श दिखा दो तो मैं छोड़ दूंगा। छोड़ दोगे? थैंक यू सो मच भाई, बोला तो सही। अच्छा हलाल को हराम करना ये छोटा गुनाह है या बड़ा गुनाह है? ये आप वो शहद वाला वाक्या लेके आ गए हो भाई। मेरा सवाल है एक मिनट, हलाल को हराम करना ये छोटा गुनाह है या बड़ा गुनाह है? नबी कर रहे थे हलाल भाई, मैं पूछ रहा हूँ, अल्लाह ने रोक दिया। हलाल, एक मिनट, चालाकी नहीं, मेरे सवाल का जवाब दो। हलाल को हराम करना ये छोटा गुनाह है या बड़ा गुनाह है? बड़ा, अपना अल्लाह का मर्जी चलेगा, आप अपना किसी पैगंबर का मर्जी थोड़ी ना चलेगा। एक मिनट, बड़ा गुनाह है भाई लोग, इतना सब लोगों को समझ में आया कि हलाल को हराम करना ये बड़ा गुनाह है, ठीक है? अब मैं इनको कुरान से बताता हूँ कि अल्लाह के नबी ने हलाल को हराम किया था। किया था नहीं, करने की कोशिश किया था, अल्लाह ने रोक दिया था। किया था, एक मिनट रुको, मान लो कुछ दिनों के लिए कर ही लिया था ये, तो बड़ा गुनाह कुछ दिनों के लिए किया ना? नहीं, तो जब अल्लाह ने मना कर दिया उसके बाद तो नहीं ना किया ना, उसके बाद ही बोला कि नहीं बड़ा गुनाह ही है। भाई भाई आप अग्री करते हो ना बड़ा गुनाह किया था रसूल ने, भले से एक दिन के लिए किया, दो दिन के लिए किया, एक घंटे के लिए किया, बड़ा गुनाह किया था ना? आपने खुद अभी अग्री किया कि हलाल को हराम करना ये बड़ा गुनाह है। अब आप ये भी अग्री कर रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए किया,
मतलब कुछ दिनों के लिए आपके रसूल ने बड़ा गुना किया ना? कुछ दिन नहीं, मैं कुछ दिन नहीं कह रहा हूँ, मतलब के नबी ने एक दिन ले ले भाई। भाई तू एक बार रेप करे या 100 बार रेप करे, तूने बड़ा गुना किया या नहीं किया? जी अगर अल्लाह मना नहीं करते, नबी नहीं रोकते, ये हराम हलाल जो है ना, ये ऐसा चीज है जो हमेशा वाला चीज है। अब इसमें एक दिन मायने नहीं रखता, दो दिन मायने नहीं रखता। हाँ, एक दिन दो दिन मायने नहीं रखता अपने ऊपर, तो मायने। भाई भाई तूने कहा कि अल्लाह कहता है कि उसका रसूल बहकता नहीं है, गलत काम नहीं करता है, तूने खुद कहा। मैंने कहा तुझे अगर मैं बता दूं कि तेरे रसूल ने बड़ा गुनाह किया है तो तू छोड़ेगा? तूने ये भी कंफर्म किया कि हलाल को हराम करना ये बड़ा गुनाह है। अब तू पलटी क्यों मार रहा है? ये तुम लोगों का प्रॉब्लम है शारी। तू ये भी अग्री कर रहा है कि अच्छा इतना कह दे कि रसूलुल्लाह ने बड़ा गुनाह किया था, हमेशा के लिए नहीं किया लेकिन किया, ये कंफर्म। अल्लाह अगर नहीं रोकते तो वो कर लेते, ये मैं कह सकता। तो बड़ा गुना किया, अल्लाह गुना किया या अल्ला नहीं किया? उन्हें रोका ना अल्लाह, अल्लाह ने गुमराही से रोका ना। अरे अगर फिर मैं, अरे भाई एक बात समझो, हाँ अगर आप मना किया है साहिल साहब, अगर वो रसूल अल्लाह के हराम हलाल को हराम नहीं कर रहा होता तो नबी अल्लाह को आयत उतारने की जरूरत क्या थी? वही मैं कह रहा हूँ ना कि करने के बाद आयत उतारी। भाई करने से पहले उतारी या करने के बाद उतारी? मान लो एक दिन के लिए कर ही दिया था। ओके, तो आपके रसूल ने बड़ा गुनाह किया था, अग्री करते हो? ये अगर ये हराम हलाल एक दिन का गुनाह तो है नहीं, हमेशा वाली बात आ जाती है ना यहाँ पे। जा यार, जा छूती है ये, मैं शुरू से बोल रहा हूँ करने के बाद भी। हाँ साले छूती है, तो ये मानने वाला है ही नहीं। कुछ भी बता दो तो नहीं मानेगा, बस आना नहीं कभी स्ट्रीम में। और जब आपको मानना ही नहीं है, आप लोग असल में प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? आप जीत हार के लिए आते हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। आप लोग डिस्कशन करने समझने के लिए कभी आप लोग आते ही नहीं हो कि यार चलो मेरे से गलती हो गई तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि मेरे से अगर गलती हुई है कहीं पे, आप अगर उसको पॉइंट आउट करोगे मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। ये रवैया आप लोगों के अंदर क्यों नहीं होता है? आप लोग ये पहले से क्यों बिठा के रख के आते हो कि मुझे जीतना है? जीतने के लिए मत आओ, सच को हम एक्सेप्ट करेंगे चाहे वो हमारे खिलाफ क्यों नहीं हो, ये सोच के साथ आओ। इतना सिंपल तरीके से जब आपको रसूल के बारे में बताया, आपने अग्री किया कि हाँ छोटी बच्ची थी, पहले कहा कि 9 साल की बच्ची 15 साल की तरह हो जाती थी, वहां भी आपको मैंने साबित किया कि नहीं 9 साल में बच्ची ही रहती थी, वहां से भी आप भागे अल्लाह की तरफ आए। जब अल्लाह को भी मैंने झूठा साबित कर दिया, फिर आप बोलते हो कि नहीं एक दिन के लिए किया था ना, 2 दिन के लिए किया था ना। आपका दावा तो ये था कि वो गुमराही नहीं होते आपके रसूल, बहकते ही नहीं, ये आपका दावा था। हम साबित कर दिए, बहक के खत्म हो गया, आपका दावा ही खत्म हो गया, झूठे साबित हो गए आप, गलत साबित हो गए। गुनाह कर ही नहीं सकता, इतना बड़ा दावा किया था। हाँ गुनाह कर ही नहीं सकता, अजीब है यार। बोल वही जो हक है, टाइम कयामत तक है। सही है भाई। सलाम अलैकुम भाई, साहिल भाई। कान में दर्द कर देगा भाई, कान में दर्द कर देगा, थोड़ा हेडफोन लगाया हुआ तो निकाल दे भाई। हाँ ठीक है, थोड़ा दूर लेके बात करता हूँ। साहिल भाई हेलो। हाँ भाई हेडफोन निकाल देना भाई। आप जो ये कुरान के बारे में जो बोलते हो ना, मैं अपने मौलाना, अपने पड़ोस वाले मस्जिद के मौलाना से पूछता हूँ। अब सब ने एग्री कर लिया, मतलब मान लिया है कि कुछ हलाला वगैरह, फिर ये गुलाम औरत के बारे में, फिर अब जो जो चीज बताया नबी का, जो छोटा बच्ची से शादी और पीड़ो भाई के बारे में सब कुछ मान लिया, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग ऐसा करते हैं। हाँ मैं मुसलमान हूँ, मैं पहले भी आ चुका हूँ, राजूबुल इस्लाम है मेरा नाम।
अच्छा जरा जरा अत्तहियात पढ़ के सुना दे। अत्तहियात लिल्लाहि अस्सलावात व अत्तैबात व अस्सलाम अलैका इबादिल्लाह सलीम। मुझे याद नहीं आ रहे कुछ ज्यादा, मैं पढ़ता वढ़ता नहीं हूँ ये सब। इस्लाम के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, मैं जो भी देखा हूँ ट्रांसलेट करके अपने इब्राहिम पढ़ो। अब ये तो मसला कुछ और हो गया। मैं जाओ भाई मत आ, मत आ भाई, दरूद इब्राहिम भी नहीं आता आपको, आपको अत्तियात नहीं आता है सही से, तो आप मुसलमान वैसे भी नहीं है, मजे करो लाइफ में। लेकिन ये मस्जिद में जाके मौलवी को पूछ रहे और मौलवी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं यार, झूठ बोलते आके। लेकिन झूठ तो नहीं है सही, इनके मौलवियों का तो ये है ही ना, ये बोल ही रहा। अरे कोई मौलवी नहीं, नहीं ऐसा कोई मौलवी एक्सेप्ट नहीं करता कि हम गलत अच्छा, है ये। अच्छा मेरी बात तो सुन लो मुफ्ती साहब, नहीं नहीं सुन सकता ना, दो मैं दस इस तरह की बातें और इस किस्म की लायानी बातें बिल्कुल नहीं सुन सकता। मैं सीधा साधा मुसलमान, बस अल्लाह पर ईमान रखने वाला, मेरे पास कोई जो है लॉजिक नहीं है इस्लाम के खिलाफ समझने का। इस्लाम के खिलाफ समझने वालों के लिए मेरे पास कोई भी समझदारी नहीं है जो मैं उनको समझा सकूं। बस हो गया ये तो इनका हाल है। अरे एक्सपे कुछ लपका हो गया, ये कौन आया? फेथ इनसाइड विद सलमान, ये अपने चैनल पे लगा रहे हैं। एक मिनट हटा दिया, यानी कितना हरामी पन है देखो इनका। हाँ इसने एक्स का मेरे ख्याल से ये एक्स पे से हट गया ना। हाँ मैं लगाता हूँ एक्स पे वापिस। हाँ नहीं ये असल में ये चौथा आदमी जब कोई लगाता है ना तो ये एक्स पे से हटता है मेरे ख्याल से। मैं इसको ये वाले ऑप्शन को बंद ही कर देता हूँ। हाँ यानी कितना हरामी पन है साले का। ये नहीं कि आके पूछे, लगा दो ऐसी। हाँ यार अविनाश भाई क्यों जुड़ रहे हो भाई? ओके मोमिन हजरात जुड़ सकते हैं, नॉन मोमिन हजरात मत जुड़ो। बीएमई साहब कह रहे फर्सी सलाम या रसूल मुर्तदीन उस्वतुन हसना हजरत साहिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पावर बी अपॉन हिम, जिना लूट जंग ज्यादती बच्चीबाजी वादा खिलाफी झूठ ये सब तो सुन्नत है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। यस कह रहे साहिल भाई ये दुनिया आप लोगों को ता कयामत तक याद रखेगी, 15 साल में इस्लाम खत्म हो जाएगा, अब वो समय आ गया है, सबके हाथ में एंड्रॉयड है, बस 2 साल बाद जमाना बिल्कुल अलग होगा। नहीं ये 2 साल इतना जो है नॉन प्रैक्टिकल टारगेट कभी भी नहीं लेना है भाई, टाइम लगेगा। हाँ काम तेजी से चालू है, लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 15 साल में एकदम खत्म हो जाएगा, 2 साल में एकदम ड्रास्टिक चेंज आएगा, इतना भी नहीं है, आएगा, काम हो रहा है। समर भाई हमारे मेंबर बने हैं, थैंक यू सो मच। तृप्ति पाटिल कह रहे साहिल भाई बेसन एंड हल्दी वाला फेस पैक लगा लो। चलो यार अब क्या क्या करना पड़ता है देखो जरा। आरबीएस कह रहे साहिल भाई कुछ लेते हो कि दूं? नहीं ले रहा हूं यार, मेडिसिन चालू है। इब्राहिम साहब थैंक यू सो मच। सरदार गब्बर सिंह नए मेंबर बने, थैंक यू। देसी हिट सर्वोपरि भाई 8 महीने से मेंबर है, बहुत बहुत शुक्रिया। समर भाई हमारे 17 महीने से मेंबर है, कह रहे कंप्लीटेड 2 ईयर्स एज अ मॉडरेटर ऑन दिस चैनल। अरे थैंक यू सो मच समर भाई। एक गिलास पानी पेशाब के मिला के दे दू पियोगे भाई? कह रहे हाई साहिल भाई कैसे हो, मंडे मेरा बर्थडे है, तो सर ट्यूजडे की स्ट्रीम में आपका बर्थडे मना लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। सूरज सिंह मंडारी कह रहे वी लॉस्ट अ जेम अ गॉड श्री रतन टाटा जी। बिल्कुल सर आपकी इस बात से मैं टोटली अग्री करता हूँ। बी अमित कह रहे ब्रो थोड़ा रोमांस कर लो, सब वार्म होके ठीक हो जाएगा, फिर खजूर और वो अंजीर वंजीर खाओ रेगुलर,
शायद ठीक हो जाए। बाय द वे कांग्रेट्स ऑन राविया पॉडकास्ट, अरे थैंक यू सो मच बीएमई साहब। वोएजर वन कह रहे अरेबिक कैसे सीखूं, यार देखो ऑनलाइन अरेबिक क्लास होगी उसमें आप ट्राई करिए। यस साहब कह रहे साहिल भाई एक बार और चले जाते तो नमाज खत्म हो जाती। कहां पे? अच्छा हाँ वहां पे अल्लाह के पास ना, सही बोले लेकिन नहीं होनी चाहिए थी, 50 टाइम की होनी चाहिए थी ताकि इनकी हड्डी फसलियां सब दर्द होने लगता नमाज पढ़ पढ़ के, 50 टाइम की रखना चाहिए था। सुमित कुमार कह रहे साहिल भाई मैं टीचर है ना, मैं ऑफ यू एक बात मुझे जानना है, मोमिन लोग नमाज में क्या पढ़ते हैं? मैंने बता दिया भाई थोड़ी देर पहले का, आप देख लीजिए नमाज में क्या पढ़ते हैं, कैसे नमाज आई, वो चीजें आपको बताई हुई है। अशोक साहब कह रहे साहिल साहब आपके हाथ में कौन सा टैटू है? सर वो स्वॉर्ड का टैटू है। सनातन हिंदू ग्रुप अमित भाई मर्द कोंटे होते हैं, मर्द कोंटे होते हैं और तो कौन ही नहीं होते। ये अभी रब्बानी जी पे चल रही थी स्ट्रीम, उसके बात कर रहे हैं, मर्द को टट्टे होते हैं औरतों को नहीं होते, तो उनका जो पानी आता है वो स्टोर कहाँ होता है? कुछ अच्छा रिप से तो भाई प्लांट्स होते हैं। हाँ रिप तो फैक्ट्री है और टट्टे जो है वो उसका गोडाउन है, कंटेनर है, ये इनका मुसल्टो का क्लेम है ना, तो औरतों को टट्टे नहीं होते तो उनका पानी कहाँ स्टोर होता है ये पूछ रहे हैं। ओके ए साहब कह रहे हैं सर 2 मिनट के लिए रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। सर ऑलरेडी उनको इतनी सारी श्रद्धांजलियां मिल गई हैं कि हमारी श्रद्धांजलि की उनको भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट यस इस बात का हमें दुख है कि इतने बड़ी शख्सियत जो है वो इस दुनिया से जा चुकी है, भारत ने अपना एक रतन खो दिया है। हाँ साहिल का कीबोर्ड कह रहे हैं कुआरी औरत बाजारू जोकर नालायक कन्फर्म अगर वो शादी ना करे तो। रामसेस कह रहे प्रेयर है कि लूज मोशन। पी अमित साहब कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह मुल्ला लेटेस्ट दैट रॉल मिनो लॉस्ट हरियाणा इलेक्शन एंड सेपरेटिस्ट इंजीनियर रशीद जमात इस्लामी एंड अवामी इत्तेहाद पार्टी लॉस्ट कश्मीर टू से, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। ये साहब कह रहे अमित भाई तुम तो हंस निकले, थैंक यू। चंदेश्वर दलवे साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वीरू साहब बहुत शुक्रिया। ब्रह्म साहब कह रहे हैं परेशान करना अलग बात है, गाली देने वाला अधर्मी है, बिल्कुल। प्रशांत दारिया कह रहे सत्या प्रकाश कह रहे स्वामी दयानंद ने लिखी थी जिसमें इस्लाम को एक्सपोज किया वो भी पढ़े और रंगीला रसूल में भी एक्सपोज किया। ओके वीएलएस साहब कह रहे हैं नो पीडोफिलिया इन इस्लाम, इस्लाम इज इन पीडोफिलिया, वाह। रॉकी भाई कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दीज पीपल टाटा जी विल गो टू नरक बिकॉज ही इज काफिर। रवि राजपूत कह रहे मेरा भाई मुस्लिम से शादी किया है, अब भाई घर पे नहीं आता, किसी को फोन भी नहीं करता, कैसे घर लाऊं भाई, भाई को प्लीज शायद कन्वर्ट हो गया है भाई प्लीज। इसी वजह से हम कहते हैं भाई कि अपने बच्चों को अपने भाइयों को अपने दोस्तों को पहले ही इस्लाम की हकीकत बताओ, हमारी स्ट्रीम शेयर करो, ये हमने कितने बार कहा है। अब जब कोई इस्लाम में चला जाता है दाखिल हो जाता है फिर आप लोग जो है रोते हो परेशान होते हो, इसी वजह से तो हम बार बार कहते हैं ना कि पहले ही वैक्सीन दो, आप लोग सुनते नहीं है, मामला यहाँ पे ये हो जाता है भाई, पहले ही बताओ। देखो उनको अभी हमारी वीडियो शेयर करके देखो, एक बार वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गया पक्का हो गया तो बहुत मुश्किल है उसको लाना, क्योंकि वो तो वो सोचेगा कि अभी आप प्रोपेगेंडा कर रहे हो। ये सबक है असल में बाकी सारे लोगों के लिए कि आपके अगर भाई बहन है घर पे जो बच्चे हैं उनको अभी से हमारे चैनल्स बता के उनको इस्लाम की हकीकत जानने दो, ताकि कोई जो है वो उनके साथ धोखाधड़ी नहीं करे इस तरीके से, उनको इस्लाम में ना लाए, समझो इस बात को। प्यारे भाई कह रहे पॉडकास्ट को मैं दबा के शेयर करता हूं, उसमें गाली नहीं होती तो पूरे परिवार में भेजता हूं, ज्यादातर देखते भी है और आगे भी शेयर कर देते हैं, उसमें खतरा जीरो है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात तो मैं एग्री करता हूं। अक्षय शेटकर साहब थैंक यू सो मच और कहते हैं ग्रेट जॉब गाइज, यू एंड एडम इज रॉकिंग, थैंक यू सो मच। आयुष